दोस्तों 14 जुलाई को भारत ने फिर से रच दिया है इतिहास। हम सब जानते हैं कि उस दिन लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3 यानी कि मून मिशन। लेकिन मेरे मन में उस दिन कई सवाल थे, शायद आपके मन में भी वो सारे सवाल होंगे, जैसे कि इस मून मिशन से इंडिया को क्या फायदा होगा, क्या इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी, पूरी प्रोसेस क्या थी इस मिशन की। चलिए मिलके जानते हैं हम ये सारे डिटेल्स। दोस्तों 14 जुलाई ये वो दिन था जब देश की ही नहीं विदेशों की नजर थी इंडिया में, यानी कि श्रीहरिकोटा में, जहां से लॉन्च होने जा रहा था रॉकेट LVM-34। इस रॉकेट को ये भेजा जा रहा था मून मिशन के लिए। इस रॉकेट को जो बनाने में टोटल खर्च आई थी वो थी 650 करोड़ की। दोस्तों 14 जुलाई को दोपहर 2:35 को इसे लॉन्च किया गया और लॉन्च करते समय इसकी स्पीड थी 1627 किलोमीटर पर आर की, और ये हवाओं को और बादलों को चीरता हुआ मिशन मून को सफल करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों जब ये लॉन्च हुआ तो उसके थोड़े देर के बाद ही इसमें 2 बूस्टर रॉकेट्स थे, वो दोनों बूस्टर रॉकेट्स एक्टिवेट हो गए। फिर लॉन्च से 108 सेकंड बाद उसमें इनबिल्ड लिक्विड इंजन भी एक्टिवेट हो गया। जैसे ही लिक्विड इंजन एक्टिवेट हुआ तो रॉकेट की स्पीड इंक्रीज होके 6437 किलोमीटर पर आर हो गई। उस वक्त रॉकेट अर्थ से 60 किलोमीटर ऊपर था। इस लेवल पे जाते के साथ जो 2 बूस्टर रॉकेट्स थे वो दोनों अलग हो गए और इस प्रोसेस को मशीन के थ्रू किया गया। जैसे ही दोनों रॉकेट्स अलग हुए तो दोनों रॉकेट्स को समुद्र में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और ये काम किया साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर के मीडियम से। अब रॉकेट की स्पीड हो चुकी थी आफ्टर बूस्टर रॉकेट्स जब डिटैच हुए तो वो 7000 किलोमीटर पर आर। अब बस कुछ ही देर हुआ था कि रॉकेट पहुंच चुका था अर्थ से 114 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। अब वहां पे जाने के साथ जो 2 हीट शील्ड थे वो एक्टिवेट हो गए और वहां से डिटैच हो गया हमारा लिक्विड इंजन। लिक्विड इंजन जैसे डिटैच हुआ तो क्रायोजेनिक इंजन एक्टिवेट हो गया और रॉकेट अपनी फुल स्पीड में आ गया जो था 36,960 किलोमीटर पर आर, और अब इस स्पीड से रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। अब अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रॉकेट को अर्थ का चक्कर लगाना था, और वो चक्कर ओवल शेप्ड में लगनी थी क्योंकि ओवल शेप्ड में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो सकते हैं, और इसमें हर चक्कर से पहले वाले चक्कर से दूसरा चक्कर बड़ा होता है। तो कंटिन्यूसली 6 दिन तक जो सैटेलाइट है वो अर्थ का चक्कर लगाएगा और 6 दिन के बाद वो मून के थोड़ा करीब पहुंचेगा। लेकिन मून के पास जाने से पहले भी इस सैटेलाइट को 13 दिन तक मून का चक्कर लगाना है, और मून के चक्कर लगाने से जैसे ही वो 100 किलोमीटर तक आएगा तो वो रुक जाएगा। चंद्रयान में 3 पार्ट भेजे गए। पहला है जो घूमने वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रोवर, दूसरा है जो लैंडर है उसे लैंडर मॉड्यूल कहते हैं जो उतरेगा, और तीसरा है उड़ने वाला पार्ट जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। दोस्तों चौथा मॉड्यूल भी है जिसको ऑर्बिटर कहते हैं, बट वो ऑलरेडी स्पेस में अवेलेबल है मून के पास क्योंकि उसे चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। उसके टेक्निकल इश्यूज कुछ भी नहीं है तो इसलिए उसे यूज किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही 100 किलोमीटर के पास ये सब चीज पहुंचेंगे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 40 से 45 दिन तक चांद के ऊपर ही रहेंगे, वो लैंड नहीं करेंगे। 40 से 45 दिन के बाद लैंडिंग का जो टाइम डिसाइड किया गया है वो है 23rd of August को शाम 5:37 PM पे, लेकिन ये एक्सटेंड कर सकता है, वो डिपेंड करता है सनराइज के टाइमिंग के ऊपर। अगर सनराइज लेट होगा तो जो लैंडिंग है उसको शेड्यूल किया जाएगा सितंबर में, वो डिपेंड करता है वहां के वेदर कंडीशंस के ऊपर। जैसे ही लैंडिंग होगी तो वैसे ही रोवर वो अपने काम में निकल जाए। अब उसका मोटिव क्या है, वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल है, वाटर है, इन सब चीजों के प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट होता है या नहीं। इनफैक्ट इस बार तो सिस्मोमीटर भी भेजा गया है वहां के अर्थक्वेक लेवल के डेंसिटी को मापने के लिए और देखने के लिए कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। रोवर के ऊपर एक सोलर पैनल है दोस्तों ताकि वो हीट से चार्ज होके अपना काम करता रहे। फिलहाल रोवर को 14 दिनों का काम दिया गया है। अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन 14 दिन में नहीं मिली साइंटिस्ट को तो इस केस को और आगे बढ़ाया जाएगा, ड्यूरेशन और एक्सटेंड होगी। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान और लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं सिर्फ इतना उम्मीद करती हूँ और हम सब चाहते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो और इंडिया भी उन देशों में अपना नाम शामिल करे जो मून मिशन में सक्सेसफुल हो गया हो। जय हिंद।